बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ख़ूबसूरत वाक़िया बयान करेंगे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक खातून रोती हुई आई, कहने लगी, खावन मेरा शहीद हो गया और चार पांच बेटियां छोड़ गया, घर में खाने पीने की कोई चीज़ नहीं। फ़ारूक आज़म ने कमेटी नहीं बनाई, चेक नहीं दिया, किसी पैकेज का ऐलान नहीं किया, बल्कि फ़ारूक आज़म ने एक अच्छा तगड़ा ताज़ा ऊँट माल गनीमत से लिया और दो बोरियां अपने हाथों से राशन की भरी, इसके अंदर ढेर सारे पैसे भी डाले और वो दोनों बोरियां ऊँट के ऊपर अपने हाथों से बांधी। फिर उस औरत के हाथ को लगाम थमाई और उसे कहा, मैंने तुम्हें इतना माल दिया है कि जब तक ये ख़त्म होगा ना, तब तक अल्लाह आपके हालात भी बदल देगा। वो खातून जाने लगी तो आप फरमाने लगे, बेटी ऊँट वापस ना भेजना, ये भी तेरा ही है। जब वो चली गई तो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन ने पूछा कि अमीरुल मोमिनीन, आप तो बड़े कफायतशार हैं, आप तो बड़ी बांट कर चीज़ें देते हैं, तो आपने इस बच्ची को इतना कुछ दे दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम फरमाने लगे, तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अफ़ाफ़ बिन एमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की साहिबजादी है। मैंने इसके बाप को हुदैबिया के मुकाम पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करते देखा है। मैंने इसके बाप और भाई को जंगे लड़ते देखा है। आज वो बच्ची आई, मुझे तकलीफ़ होने लगी है कि इसे आना क्यों पड़ा, मैं ख़ुद जा के उसकी खिदमत क्यों ना कर सका। सुभान अल्लाह अल्लाह। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अगली किसी अच्छी सी वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।